हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। अब हम टेली सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर रहे हैं और ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो बिजनेस अकाउंटिंग की मेरी बुक है उसकी सभी वीडियोस देख ली हैं। और टेली बेसिकली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो जो अकाउंटिंग की नॉलेज, बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज, जर्नल एंट्री स्पेशली कैसे बनाई जाती हैं, मैं उसका कंप्लीट आपको कोर्स एक तरह से करवा चुका हूँ। तो ऑब्वियसली जब हम टैली में एंट्रीज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत ही मैं रिपीट कर पाऊँगा। तो ये आपको ज़रूर सजेस्टेड है कि आप टैली की वीडियोस देखने से पहले बिजनेस अकाउंटिंग की अपनी वीडियोस अच्छे से देखकर कॉन्फिडेंटली कंप्लीट कर लें। तो चलिए टैली सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग वर्किंग विथ टैली, तो जैसा कि आपको आपके आपको इसके ऊपर भी एक अलग से बुक दी गई है, तो ये सारा आपको नज़र भी आ रहा होगा उसमें प्रिंटेड। तो स्टेप वन है, आप टेली ईआरपी आइकन को क्लिक करें। अब यहाँ पर एक बात और आती है, वो ये कि आप अगर टेली सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पहले एमएस वर्ड वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, हल्का सा। मतलब कंप्यूटर से थोड़ा आप रूबरू हो, ऐसा ना हो कि डे वन पे सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में कंप्यूटर पे कुछ चीज़ सीख रहे हैं और वो टेली ही है। यानी कहीं ना कहीं टेली सॉफ्टवेयर पे काम करना ईजी है, इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एक बहुत अच्छी जॉब दिला सकता है किसी बहुत अच्छी कंपनी में। आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन से अकाउंटिंग स्किल्स के साथ एक अकाउंटेंट बना सकता है, और धीरे धीरे आप और पढ़ाई करके एक सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी में अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बेसिक बातें आपको पता हों, कुछ चीज़ें आपको आती हों। उनमें जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ बिजनेस अकाउंटिंग की बुक को ठीक से करना बहुत ज़रूरी है ताकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर हों, अकाउंटिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्लियर हों, कितनी तरह से अकाउंटिंग होती हैं, व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। उसमें मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिर जर्नल एंट्रीज के सारे रूल्स हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाना, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब कंसेप्ट्स मैंने आपको उसमें सिखाए। अब यहाँ पर हम अगर शुरू करते हैं तो जैसे मैंने इसमें थियोरेटिकली, आप मेरे से अगर पहले से पढ़ रहे हैं जैसे कि, तो आप जानते हैं कि मेरा अपनी तरफ से नेचर रहता है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें। तो आपको इसमें भी हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप दी रहेगी, लेकिन इसमें साथ साथ आपको वर्किंग भी करनी होगी सॉफ्टवेयर पर, एक्चुअल सॉफ्टवेयर पर वर्किंग करनी होगी। तो जैसे सबसे पहला है स्टेप कि आप टेली ईआरपी 9 आइकन को क्लिक करें। तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना हो, एक्सेल शुरू करना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर शुरू करना, इवन गूगल भी अगर शुरू करना, तो एक आइकन बनता है आपके डेस्कटॉप पर, वहाँ पर उसको क्लिक करके आपको इसको स्टार्ट करना होता है। तो वो मैंने जैसे इसमें क्लिक किया हुआ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब आप आइकन क्लिक करते हैं तो ये आपका जो है एक खुल के आता है। या चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको कि मैं वो करके ही दिखाऊँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से ये आइकन होगा। जैसे मेरे डेस्कटॉप पर ये आइकन टेली ईआरपी 9 का ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर ये आइकन है। तो जब आप इस तरह से इस आइकन को क्लिक करते हैं तो ये आपका टेली का सॉफ्टवेयर जो है खुलता है और उस पेज पर पहुंचता है जिस पर अभी हम पहुंच गए, जो पहले से खुला हुआ था। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम वापस अपने असाइनमेंट पर जाकर देखें, तो स्टेप वन क्या था, क्लिक टेली ईआरपी आइकन। ये आप जानते हैं किसी भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर में स्टार्ट करने के लिए उसको क्लिक करते हैं, फिर जो मेन स्क्रीन आता है खुल के उसको बोलते हैं गेट वे ऑफ टेली। तो ये जो कंपनी इन्फो लिखा है, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्विट, ये दिस इज द गेट वे ऑफ टैली। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, आपने बोल दिया ये गेट वे ऑफ टैली है। तो टैली में ये अच्छी बात है कि आप जिस भी स्क्रीन पर काम करते हैं उस स्क्रीन का नाम आपको यहाँ लेफ्ट टॉप पर नजर आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लेफ्ट टॉप पर आपको नजर आ रहा है, सॉफ्टवेयर का नाम है ये टैली ईआरपी 9, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है गेट वे ऑफ टैली। तो गेट वे ऑफ टेली ही मेन है, जैसे होता है ना भाई गेट वे ऑफ इंडिया, है ना, कभी था गेट वे ऑफ इंडिया कि भाई इंडिया में एंट्री लेनी है तो वहाँ से आप एंट्री लो। तो किसी भी एक बिल्डिंग का, किसी भी चीज़ का एक मेन गेट होता है, तो ये गेट वे ऑफ टेली एक तरह से यहाँ से आप एंटर करते हैं। अभी तो ये ब्लैंक है, बट धीरे धीरे इसमें कंपनीज बनती चली जाएंगी और तब आप समझ पाएंगे इसको कि हम इसमें आगे किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना सिखाएंगे, है ना। तो अब जैसे अगर मैंने सपोज क्रिएट कंपनी पे जाके इसको एंटर किया तो ये अब हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कंपनी क्रिएट करना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, अभी मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ स्क्रीन नेम को आइडेंटिफाई करना। आप देख रहे हैं यहाँ पर अब लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन, दिस इज नॉट गेट वे ऑफ टेली, दिस इज नाउ कंपनी क्रिएशन, राइट। अब ये वापस हो गया गेट वे ऑफ टेली। तो अभी मैंने आपको सिर्फ
क्या सिखाया है? मैंने आपको सिखाया है कि आप डबल क्लिक करके टेली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लें, और उसके बाद जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली, और स्क्रीन का नेम यहाँ लेफ्ट पर टॉप पर रहता है। जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया, एक बार और क्रिएट कंपनी के स्क्रीन पर जाते हैं तो अब ये कंपनी क्रिएशन है। तो इसी तरह से आप जिस भी पेज पर जाएंगे वो पेज आपको जो है इसमें नज़र आएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया है। नाउ अब आप इस गेटवे ऑफ टेली की दो तीन टर्मिनोलॉजीज को समझ लीजिए। जब हम किसी जगह जाते हैं तो किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमें सीखना होता है। अब जैसे ये जो लेफ्ट पोर्शन है इसको बोलते हैं लेफ्ट पैन, है ना, जैसे पैनल होता है उसी तरह से लेफ्ट पैन, और ये क्या हो गया आपका राइट पैन। जस्ट ताकि अगर कल को मैं सॉफ्टवेयर में बोलूं कि आप देखिए राइट पैन में, आप देखिए लेफ्ट पैन में, तो आप समझ पाए दिस इज द राइट पैन, ऑब्वियसली द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट पैन। ये जो ऊपर की बार है प्रिंट एक्सपोर्ट ईमेल अपलोड टेलीशॉप लैंग्वेज कीबोर्ड, ये जो आपको नजर आ रहा है ऑब्वियसली ये पैरेलल टू स्काई है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बटन बार। क्या बोलते हैं, ये आपके असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है, आपको कुछ भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ साफ साफ हॉरिजॉन्टल बटन बार, और फिर जो खड़ी हुई लाइन है दैट इज वर्टिकल बटन बार। ये जो ये वाली लाइन है ये ग्रीन वाली, इसमें अभी सिर्फ F12 कन्फिगर नज़र आ रहा है, इसमें आने वाले टाइम में आपको और बहुत इन्फॉर्मेशन नज़र आएंगी जब आप वाउचर एंटर करेंगे। सो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल कहलाती है ना, तो इसका नाम हो गया, क्या नाम बताया मैंने अभी आपको, हॉरिजॉन्टल बटन बार। ये आपको असाइनमेंट में भी दिया है तो एज सच आपको लिखने की कोई टेंशन नहीं है, आपको असाइनमेंट में दिया गया है, आपकी किताब में दिया हुआ है। और ये है वर्टिकल बटन बार, तो वर्टिकल बटन बार कौन सा हुआ, ये जो राइट हैंड पर है, दिस इज योर वर्टिकल बटन बार, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन के तैयार है अब, राइट। तो ये दो चीज़ें हम समझ पाए अभी तक, हमने क्या समझा, इसको बोलते हैं लेफ्ट पैन, इसको राइट पैन, इसको हमने बोला हॉरिजॉन्टल बटन बार, और इसको राइट वाली को हमने बोला वर्टिकल बटन बार। डे वन है, वीडियो वन है, इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में आप इतने यूज्ड टू हो जाएंगे तो वैसा है जैसे एक साइकिल चलाते वक्त कोई आपको बताए इसको ब्रेक्स बोलते हैं इसको पैडल बोलते हैं, बाद में कौन इन चीज़ों की परवाह करता है, बैठो साइकिल पर और निकल लो, यही बाइक चलाने में होता है, यही कार चलाने में होता है। बट ऑब्वियसली एज ए ट्रेनर इट इज़ माई ड्यूटी कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू शुरू में बताऊँ। हाथ के हाथ हम इस क्लोज बटन पे भी ध्यान देंगे, दिख रहा है आपको ये कंट्रोल प्लस एम, दिस इज कॉल्ड क्लोज बटन। ऑब्वियसली जैसे किसी भी चीज़ में आप अगर वर्ड पे काम कर रहे हैं तो इस बटन से आप वहाँ पर क्या होता है वो टॉप पर रहता है, इसमें थोड़ा सा यहाँ अंदर दे दिया कंट्रोल प्लस एम, इससे क्या होगा जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप करंट स्क्रीन जिस भी स्क्रीन पर हैं उससे आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे माना हम क्रिएट कंपनी के स्क्रीन पर हैं तो यहाँ पर ये बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन एग्जिट हो जाएगा। एक बार फिर से करके देखते हैं, जैसे सपोज हम क्रिएट कंपनी के स्क्रीन पर हैं तो ये यहाँ पर क्लोज बटन है कंट्रोल प्लस एम वाला, आप कंट्रोल प्लस एम भी कर सकते हैं नहीं तो माउस है बेस्ट है यूज़ करें, और इसको क्लिक करने से ये एग्जिट हो जाएगा, है ना। और अगर आप गेटवे ऑफ टेली पे हैं, जैसे हम इस समय गेटवे ऑफ टेली पे हैं, अब ये तो बिल्कुल लास्ट है ना, अब दरवाजे से बाहर अगर आप घर के आ जाते हैं तो फिर तो क्लोज ही हो जाता है, तो अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये क्विट, क्विट का मतलब है अगर आप अपने यस या वाई प्रेस कर दिया तो आप इस सॉफ्टवेयर से बाहर ही आ जाएंगे। तो मैं फिलहाल नो कर देता हूँ कि नहीं अभी हमें इसमें बाहर नहीं आना, हम और सीखना चाहते हैं। खैर अब इस वीडियो को मैं फिनिश करने वाला हूँ, तो लास्ट वैसे स्टेप अब यही आ गया कि मैं आपको ये बताऊँ, टेली हमने ओपन करना सीख लिया, टेली का लेफ्ट पैन राइट पैन हॉरिजॉन्टल बटन बार वर्टिकल बटन बार एंड क्लोज बटन, ये कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें हमने सीखी। अब हम क्लोजिंग टेली भी सीखते हैं। इसमें टेली को क्लोज करने के लिए जो तरीका होता है वो क्या कि आपके जो कीबोर्ड पर आप देखिए जो आप टाइप करते हैं जहाँ पर उसमें बिल्कुल लेफ्ट टॉप पर एक बटन लिखा हुआ एस्केप ESC एस्केप, तो जब आप इसको दबाते हैं तो वो पूछेगा क्विट, अगर आप इसने यस कर दिया यानी वाई प्रेस कर दिया, फर्स्ट वर्ड भी प्रेस करने से काम हो जाएगा तो ये आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाएगी। फिलहाल मैंने कहा नो तो मैं एन करके वापस आ गया, राइट। ये एक तरीका हुआ, क्या तरीका हुआ, असाइनमेंट में भी आप इसको देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये मैंने क्लोज बटन के बारे में बताया, फिर अब मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ क्लोजिंग टैली, है ना। टैली को अगर हमें क्लोज करना है तो किस तरह से होगा कि हमने ऑप्शन वन जो है उसको लिया और उसमें प्रेस एस्केप, है ना, ये कहाँ दी गई है आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पर, लैपटॉप में दी गई है अनटिल यू सी द मैसेज क्विट यस और नो। अगर आप एग्जिट ही करना चाहते हैं क्लोजिंग टैली तो आप वाई प्रेस करेंगे। ऑप्शन टू की अगर हम बात करूँ तो प्लीज़ एंटर व्हेन ऑप्शन क्विट इज सेलेक्टेड, है ना। अब इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसमें एक ये वर्ड है क्विट।
अब ये अगर मैंने प्रेस किया तो भी ये वहीं ले जाएगा, इसको मैंने एंटर किया तो ये आ गया, है ना। तो यानी ये क्विट की ऑप्शन अमंग द वेरियस ऑप्शंस भी दे रहा है। तो एक ऑप्शन तो क्या हुई एस्केप वाली, और एक ऑप्शन क्या हुई क्विट वाली। अगर हम ये क्विट में क्यू भी दबाएं तो भी काम चलेगा, आपको दिखा नहीं होगा ऑब्वियसली जब मैंने क्यू प्रेस किया तो वो आप देख नहीं पाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है टेली, और जब आप इस पर काम करते हैं, और आपको अपनी बुक एक बार तो साथ रखनी होगी। और मज़े की बात क्या है कि जो बुक मैंने आपको दी है ये तो लाइक हमेशा आपके पास रहने वाली है, ये कोर्स तो आप एक छोटे पीरियड में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जब आप ऑफिस में जाएंगे तब भी आपको काम करते वक्त ये बुक, ये असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया आपके पास होगा, मैं भी आपके पास होऊंगा। हम अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट देते हैं, जो स्टूडेंट्स हमसे ये कोर्स कर रहे हैं उनको हम जॉब में भी सपोर्ट देते हैं कि भैया आपके अभी नई नई नौकरी लगी है, अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दैट सपोर्ट सेंटर विल ऑलवेज हेल्प यू इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। बट फिर भी एक जो असली चीज़ होती है हेल्प करने के लिए वो होंगे आपके अपने नोट्स, आपके असाइनमेंट खुले खुले टाइप किए गए हैं, आगे काफ़ी स्पेस भी दिया गया है, घिचपिच नहीं छापा गया है, ताकि अपने हाथ से भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख के उसको तैयार कर लें, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने क्विट करने के लिए, टैली क्लोज करने के लिए दो ऑप्शन सीखे, एक तो एस्केप बटन से कर सकते हैं और एक क्विट से। थर्ड ऑप्शन जो कि आपके असाइनमेंट में दी है, जो कि कम ही यूज करनी चाहिए, वो है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपके लेफ्ट में बॉटम साइड पे दिया गया है, यानी कि नीचे की तरफ उल्टे हाथ पर ये दिया गया है CTRL कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू करते हैं तो भी आप बाहर हो जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे अगर आप करते हैं, लेकिन इसमें विदाउट कंफर्मेशन, यानी कि फिर अगर आपने ये बटन दबाया तो ये सीधा ही बंद हो जाएगा। मैं एक बार आपको दबाता हूँ, दिखूंगा तो नहीं, मैं टाइप करते हुए मैंने किया कंट्रोल प्लस क्यू, तो ऐसा करने पे वो पूरा ही बंद हो गया। इस बार उसने येस नो वाली ऑप्शन नहीं पूछी, है ना। तो अगर फिर भी कोई डाउट है आपको जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई, तो आप ये वीडियो में कोई भी पोर्शन दोबारा देख सकते हैं, है ना। अभी मैं एक बार इस वीडियो को फिनिश करने से पहले एक तरह से रिवाइज कर लूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। ओपनिंग टैली, देन लेफ्ट पैन, राइट पैन, हॉरिजॉन्टल बटन बार, वर्टिकल बटन बार, स्क्रीन नेम कहां पर होता है, क्लोज बटन को कैसे यूज करें, और तीन ऑप्शंस टैली को क्लोज करने की क्या क्या है, राइट। तो चलिए पहली वीडियो में इतना ही, आई होप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे और इसको आगे लेंगे। थैंक यू।